हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका संजनी अमेजिंग व्लॉग्स में स्वागत है और मैं हूं संजनी झा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आज की वीडियो है काम की और यूज़फुल। वैसे तो आज हम सेप्टिक टैंक की वीडियो बताने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। सेप्टिक टैंक बहुत सारी प्रकार की आती हैं, वैरायटी की आती है, उसमें से आपको जो है कौन सी बनवानी है वो आपके ऊपर निर्भर करती है। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो जो है ब्रिक वर्क सेप्टिक टैंक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम बहुत सारे प्रकार भी आपको दिखा देंगे कि कितनी सारी प्रकार की आती हैं। ब्रिक वर्क में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना आपका कॉस्ट आ जाएगा और रेती कितनी लगेगी, सीमेंट, गिट्टी, लोहा कितना लगेगा आपका, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और अगर सेप्टिक टैंक में आपका कॉलम आ जाता है तो आपको कैसे बनवाना है, इस चीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए फटाफट से टैंक के प्रकार देख सकते हैं आप। प्लास्टिक सेप्टिक टैंक है यहाँ पर दिखा दे रहे हैं हम आपको, और स्टील का जो है लोहे का होता है। और ये सब में आप चूज़ भी कर सकते हैं आपको कौन सी डालनी है, ये सीमेंट वाली है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग खासियत है और अलग अलग नुकसान भी हैं, और आप सब देख सकते हैं। बस हम आपको यहाँ पर पिक दिखा रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाले हैं। ये देखिए सेप्टिक टैंक है जो 3 पार्टीशन वाला होता है, और आप लोहे की कॉन्क्रीट वाली भी बनवा सकते हैं और ब्रिक वर्क वाली भी बनवा सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कौन सी बनवाना चाहते हैं, आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर है कि आप क्या बनवाना चाहते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के मुद्दे पर। हमने जो सेप्टिक टैंक बनाया है उसका हम आपको खर्चा बताने जा रहे हैं कि हमें कितना कॉस्ट आ गया है सेप्टिक टैंक बनवाने में, और सिर्फ छत की ढलाई तक का ही हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर गिट्टी भी 3 प्रकार की आती है। सबसे छोटी गिट्टी है जो कि ढलाई में काम आती है, ढलाई में भी नहीं आती है, ये जो है ढलाई के ऊपर जो रिपेयरिंग वगैरह होती है उसमें काम आती है। बारीक गिट्टी जो कि जुड़ाई में कहीं काम नहीं आती। ये देखिए ठेस गिट्टी होती है जो नीचे सबसे न्यू आप डालते हैं, कभी भी कोई भी चीज़ गड्ढा करते हैं, कॉलम खड़ा करते हैं या टंकी बनवाते हैं तो सबसे पहले आपको इसे डालनी होती है। इसका MM भी आता है। तो और ये देखिए ये वाली जो है ढलाई गिट्टी है, गिट्टी तो बहुत सारी आती है, MM होती है, इनकी साइजें होती हैं। तो ढेस गिट्टी जो होती है वो नीचे डाल सकते हैं। और सरिया देखिए हमने किस तरह से रखा हुआ है, लोहा और कॉलम भी बने हुए हैं और सरिया भी है। और सीमेंट देख सकते हो हम सॉलिड का जो है यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्राटेक और सॉलिड दोनों। अल्ट्राटेक भी हमने यूज़ किया हुआ है इसमें और सॉलिड भी लगा रहे हैं। तो जहाँ पर हमें जो मिल जाएगा हम यूज़ कर लेते हैं, दोनों सीमेंट हमारा कंबाइन है। जब कभी सॉलिड भी मंगवा लेते हैं और कभी अल्ट्राटेक भी मंगवा लेते हैं क्योंकि हमें दोनों सीमेंट अच्छी लगती है। और ये हमारी टंकी है देख सकते हो, जो कि हमने आपको दिखाया था टंकी का, एक ओल्ड हाउस वाला हमने दिखाया था उसमें, पर हम आज सिर्फ टंकी के बारे में दिखाने जा रहे हैं सेप्टिक टैंक के बारे में। ये देखिए हमारी जो बन के रेडी हो गई है इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसका जो हमने गड्ढा खुदवाया था 8x9, जी हाँ 8x9 फुट का ये गड्ढा खुदा था हमारा, खुदवाई करवाई थी हमने इसकी। और इसका जो हमें खुदवाई में कॉस्ट लग गया है वो 6,000 रुपये हमें मिट्टी जो है खुदवाने में, गड्ढा खुदवाने में इसका कॉस्ट आया था। और यहाँ पर जो है एक कॉलम भी आ गया है इस सेप्टिक टैंक में, जबकि टैंक में कॉलम नहीं आना चाहिए लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि लास्ट ज़मीन है और अगर कॉलम के लिए हम छोड़ देते यहाँ पर तो नहीं हो पाता। तो हमने जो है एक सेप्टिक टैंक में जो है कॉलम डालना पड़ा हमें, और बाकी को हमने देखिए साइड करवा दिया है, टैंक का अलग करवा दिया और बाकी कॉलम को हमने बचा लिया, बट एक डालनी पड़ गई। तो उसके लिए भी कोई तरीका होता है, अलग से बनवानी पड़ती है। जो गड्ढा है सेप्टिक टैंक का उसके नीचे हमें खुदाई करानी पड़ी उसके लिए 2-3 फुट अलग से। तो कलम का गड्ढा जो हमने एक्स्ट्रा में नीचे खुदवाया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमने जो सेप्टिक टैंक बनवाई है उस पर। और ये जो है हमारा जो है हाउस जो टूट रहा है इसका हम टूट करवाएंगे बहुत जल्दी, हो सकता है कल परसों में 1-2 दिन में ये टूट भी जाए। उससे पहले हम एक वीडियो शूट कर लेंगे, आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर कितनी ऊंचाई हमने की है, इस घर को कितना ऊंचा किया है हमने, पहले लेवल से अभी कितना ऊंचा करवा दिया है। और ये मिस्त्रीगण जो है काम कर रहे हैं, ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहे हैं, पर अभी सिर्फ टैंक की बता रहे थे आपको कि कुछ नॉलेज आपको हो जाए, और यहाँ तक तो हम आपको बता चुके। तो चलिए अब काम की बात करते हैं, हमें सीमेंट कितना लग गया हमारी जो हमने टंकी बनवाई उसमें। हमने 8x9 फुट का जो गड्ढा करवाया था उसमें प्लस कुछ इंचीस, बहुत ज़्यादा नीचे भी खोदते हैं, 7-8 इंचीस जो है फुट के हिसाब से नीचे गड्ढा खुदवाई होती है जिसमें पुटिंग का अलग से काम होता है। तो उसमें हमारा टोटल खर्चा जो आ गया है सीमेंट का 40 बोरी हमें लग गया है, जिसमें कॉलम की भराई हुई है और पुटिंग हुई है, प्लास्टर हुआ है और ढलाई भी हुई है छत की, केवल छत की ढलाई हुई है इतनी तक की 40 बोरा सीमेंट लगी। और बात आती है गिट्टी की, ढेस गिट्टी की, तो ढेस गिट्टी हम आपको बता दें कि रेती और गिट्टी
दोनों बराबर ही लगती है पुटिंग में, और सीमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कड़क मसाला पड़ता है। सेप्टिक टैंक का जो होता है ढलाई और जुड़ाई दोनों में कड़क मसाला पड़ता है, और पुटिंग में भी बहुत ज़्यादा कड़क मसाला पड़ जाता है, और कॉलम अगर पड़ गई तो उसमें भी कड़क मसाला ही पड़ता है। आप सबको पता होगा, जो मिस्त्री हैं जो इनकी बारे में जानते हैं उनको पता है, और जो नहीं जानते हैं तो उनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी क्योंकि हम बड़े ही ईजी तरीके से बता रहे हैं। तो इसमें रेती गिट्टी बराबर लगती है और सीमेंट भी लग गया हमारा 40 बोरा। यहाँ पर एक बात बता दें कि रेती आपको इस भी यूज़ कर सकते हो, मोटी भी चलेगी पतली भी चलेगी रेती, क्योंकि नीचे हमें ढेस ही करना होता है तो कुछ भी चल सकता है। और अब बात आ जाती है कि आपका सरिया कितना लगता है टैंक में, तो सरिया की बात आ जाती है तो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आपकी कितनी लंबाई है चौड़ाई है। फिर भी एक मेजरमेंट हम आपको बता दें कि एक जो रॉड आती है ढलाई जैसे होती है कि 10 mm 12 mm और 8 mm, तीन लोहे का काम होता है, और बांधने के लिए भी पतली वाली जो तार आती है वो भी चलती है। तो 4 प्रकार के सरिया आपको लग जाएंगे उसमें लोहा, और 10 mm और 12 mm इससे ढलाई होती है सबको पता है। और ये आपके सभी जानते हैं ढलाई जब होती है जैसे कि हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर इस तरह से होती है, और यहाँ पर जो है होल छोड़ा जाता है सेंटिंग करने के बाद, तो इस तरह से आपका लग जाएगा यहाँ पर में सरिया। और एक राड जो होती है वो होती है 40 फुट की, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितनी राड लगेगी और कितना प्राइस लग जाएगा। आपको बंडल का हिसाब आपको कभी और दे देंगे कि एक बंडल में लोहा कितना आता है और कितने किलो की होती है, वो सब हम आपको कभी और मेजरमेंट देंगे। और ये देखिए हमारा कॉलम बिल्कुल भी पता नहीं चला, हल्का सा ज़रा सा बचा है, इसमें इतनी पुटिंग हुई है फिर भी हमने जो टैंक ऊपर है उसके ऊपर भी हमने ज़रा सा ऐसा कर दिया है मलाई के साथ, ताकि कभी भी वाटर जो है इस लेवल से ऊपर ना जाए आगे ना जाए, ताकि हमारा कॉलम सेफ रहे। उसमें सरिया का जो काम होता है, देखिए यहाँ पर जो है बीम पड़ती है, तो बीम एक बार इस तरह से ढलाई होती है और छत के लिए इस तरह से छोड़ा जाता है, फिर छत की सेंटिंग जो हमने दिखाई आपको यहाँ से सेंटिंग की जाती है, उसका ढलाई हो जाता है तो लोहे का काम हो जाता है ख़त्म। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है हमने इस बार एक पार्टीशन वाला बनाया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बाजू में जो है मेन होल है नाली है, तो हम वहाँ पर जो है इसमें पाइपलाइन छोड़ेंगे आउटलाइन वाला ओवर पाइप, पाइप का भी खर्चा आपको बैठेगा अच्छा खासा, मोटी पाइप लगानी है इसमें 6 इंची की पाइप हम लगाने वाले हैं, तो पाइप का खर्चा आएगा, रेती खर्चा आएगा, सीमेंट का खर्चा आएगा जैसे कि हम खर्चे की बात कर रहे हैं, और ईंटा ईंटा भी आपको 2000 लग ही जाना है क्योंकि 9 इंची की दीवार बनेगी, इससे कम की दीवार तो नहीं बनेगी। तो ये सब का सारा खर्चा मिला करके हमें जो है 50,000 रुपये इस टैंक में, केवल टैंक में जो है खर्चा आ चुका है। और जैसा कि आप सबको पता है कि सेप्टिक टैंक जो है 1 लाख में बनता है, तो 50,000 जो सिर्फ टैंक तक में खर्च हो चुका है, और जो 50,000 है वो ऊपर भी जाकर जाते जाते वो खर्च हो जाएगा, जैसे कि सीट वगैरह लगेगी और बाकी जो है प्लम्बिंग का काम होगा तो उन सब में जो है लग जाएगा। और अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, आगे पूरा जो ईंटे का वर्क होगा बाकी जितने भी होंगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे इसके बारे में। और देखिए यहाँ पर हमारा जो है छत ढलाई हो चुका है और ब्रिक वर्क का काम भी स्टार्ट हो चुका है, इधर से जो है दो तरफ से दीवार उठ चुकी है और इधर आगे और उठ चुकी है जो कि हम किसी और वीडियो में आपको दिखाएंगे। और ईटा जुड़ाई के साथ साथ कॉलम भी आ रहा है, जो कि टंकी में जो है हमारा एक कॉलम आ चुका है जैसे कि हमने बताया, और ये जो होल हमने छोड़ा है यहाँ पर, और देखिए धीरे धीरे हम आपको दिखाएंगे बाद में। तो ये हो चुका है, यहाँ तक का काम हो चुका है, और जब बनने के बाद हम आपको दिखाएंगे और भी इसका जो फाइनल लुक। बजट हमने बता दिया है कि टैंक बनवाने में 50,000 का खर्चा है लेबर कॉस्ट के साथ अभी का जो कॉस्ट है, और देखिए कितना कलम के नीचे हमने गड्ढा खुदवाया था और धीरे धीरे हम भरते भी जा रहे हैं। यहाँ का देखिए कलम भर भी दिया क्योंकि यहाँ पर मटेरियल रखने की बहुत कम जगह है, शॉर्टेज है, तो हमने जो है फटाफट जो यहाँ पर कलम का गड्ढा बनाते गए करते गए जोड़ते गए, और फटाफट से हम मिट्टी डाल के उसे पाटते भी जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो है ज़्यादा गड्ढा भी ना रहे और मिट्टी वगैरह जो है जो अंदर जाती जाए। जो है हम इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका ले आएंगे कि बीम तक पड़ चुकी है, बीम अब सारा में पड़ चुका है ये लाइन में जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, तो कभी बीम के बारे में अलग से आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। तो चलिए आई होप आपको पता चल गया होगा कि कितने कॉस्ट आ जाता है, और इसमें सब कुछ हमने जो बताया इसके साथ साथ लेबर पेमेंट भी उतना ही लग जाता है, जितने का आपका मटेरियल लग गया उसका आधा आप मान लीजिए कि लेबर पेमेंट लग जाएगा आपको। तो अगर आपको 25,000 का मटेरियल लग गया है तो 25,000 आपको इसमें लेबर कॉस्ट लग जाता है बनाते बनाते। और गड्ढा का भी हमने बता दिया, ईंटें भी बता दी हमने, ईंटें कितने की आ गई, ईंटें जो है 2,000 से 2,500 ईंटें लग जाएंगे इसमें आपको। और उसका रेट भी आपके एरिया के हिसाब से है कि कितना चल रहा है, 7 रुपये चल रहा है कि 8 रुपये चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप कॉस्ट जोड़ सकते हो आपके एरिया के हिसाब से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।